बार क्यों अंग्रेजी कैलेंडर दे नाल देसी कैलेंडर मैच नहीं कर रहा। दिवाली दे तीजे दिन दसी जा रही है भाई दूज ते उस तो बाद 12 तो लेके 15 तरीक तक केड़े त्योहार ने असि तुहानू सारी अपडेट इस खबर दे विच देंगे। सब तो पहला धनतेरस 10 नवंबर नू, रूप चतुर्दशी 11 नवंबर, दिवाली 12 नवंबर, सोमवती अमावस्या 13 नवंबर, गोवर्धन पूजा 14 नवंबर ते भाई दूज इस बार आ रहा है 15 नवंबर दा। क्यों पुठियां सिद्धियां हुईयां पईयां ने इस बार सारे त्योहारां दीयां तरीकां तुहानू सारी अपडेट दे देने आ। सब तो पहला गल कर लैने आ 10 नवंबर धनतेरस दी। दीवा दान धनवंतरी दी पूजा दे नाल शुरू हुंदा है दिन। परंपरा अनुसार इस दिन सोना चांदी भांडे अते हर तरह दी खरीदारी कीती जावेगी। ए मन्या जांदा है कि इस दिन खरीदियां गईयां चीजां सदीवी हुंदियां हन, खुशहाली अते जो है खुशी दिंदियां हन पूरे परिवार। उस बाद 11 नवंबर रूप चतुर्दशी, यम लई अशोधी इशनान, विष्णु जी दी पूजा अते दीवादान। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त दे विच जागरण अते हल्दी चंदन अते सरों दे तेल दा लेप लगा के इशनान करन दी परंपरा है। इस तो बाद भगवान विष्णु जी दी पूजा कीती जांदी है। दिवाली दा त्योहार जिसकी सब नू बहुत ज्यादा इंतजार है, 12 नवंबर दी तरीक नू दिवाली मनाई जावेगी। महालक्ष्मी गणेश अते विष्णु जी दी पूजा हुंदी है। अथर्ववेद दे विच लिखिया गया है कि पानी भोजन अते सारियां खुशियां देण वाली धरती मां दी दिवाली वाले दिन देवी लक्ष्मी मां जी दे रूप दे विच पूजा कीती जांदी है। कार्तिक अमावस्या दे हनेरे नू रोशनी दे विच बदलण दे लई इक दीवा भी दान कीता जांदा है। 13 नवंबर नू सोमवती अमावस्या, इशनान दान अते पूर्वज पूजा। ए शुभ योग उदो बनदा है जदो अमावस्या तिथि सूरज चढ़न दे समय हुंदी है। इस नू इशनान अते दान दा त्योहार भी कहा जांदा है। इस संजोग दे विच इशनान करके लोड़वंदा नू दान करन नाल अथाह पुन मिलदा। 14 नवंबर गोवर्धन जी दी पूजा, श्री कृष्ण जी दी पूजा अते अन्नकूट प्रसाद। श्री कृष्ण जी ने इंदर जी दे हंकार नू तोड़न अते ब्रज दे लोकां नू बचाउण दे लई गोवर्धन पर्वत नू खड़ा कीता सी। इस तो बाद सारयां ने पकवान तैयार करके श्री कृष्ण जी नू खवाए। उदो तो इस दिन श्री कृष्ण जी दे नाल गोवर्धन जी दी भी पूजा कीती जांदी है। भाई दूज 15 नवंबर, यम अते यमुना वर्गे भैण भरा दा त्योहार। इस दिन यमुना ने अपने भरा यम नू रात दे खाने दे लई अपने घर बुलाया सी। इस परंपरा कारण लोग अपनी भैण दे घर खाना खान जांदे हन। इस तो बाद भैण यमराज नू अपने भरा दी लंबी उम्र दे लई प्रार्थना करदे होए तिलक भी लगाउंदी है।